पीएम मोदी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में मेरा देश मेरी माटी के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर में 7500 कलश में मिट्टी एकत्र कर दिल्ली में अमृत वन की स्थापना करेंगे। कारगिल युद्ध के हीरो खुशहाल ठाकुर ने कहा कि इसी कड़ी में देश के वीर शहीदों को याद करने के लिए मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। कार्यक्रम के तहत वीर सपूतों के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम भी किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि पूरे देश द्वारा दी जाएगी। इन कार्यक्रम के अंतर्गत भारतवर्ष के हजारों जो गांव हैं वहां की माटी को 7500 कलशों में वहां के जो पौधे हैं उनको लेकर दिल्ली में लाया जाएगा और एक भव्य अमृत वाटिका की स्थापना नेशनल वॉर मेमोरियल के पास में ही की जाएगी और ये एक बहुत बड़ा मान सम्मान होगा उन वीरों के लिए और उनके परिवारों के लिए, और या यूं कहिए कि एक मंदिर जो है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा और साथ में अनेकों कार्यक्रम, जिसमें अगर आपको याद हो पिछले साल 15 अगस्त में लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 प्राण की बात कही गई थी उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। और जिस तरह पिछले साल हर घर तिरंगा जो अभियान था वो चलाया गया था, आपने देखा किस तरह करोड़ों भारतवासी जो है उन्होंने अपने घर में जो है तिरंगा फहराया है, इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हर एक प्रदेशवासी जो है ये हर घर झंडा अपने घर में फहराएंगे। और इसी के साथ जो 5 प्राण जिनका ये संकल्प पिछले साल लिया था उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी जो है उसकी शपथ या ओथ जो है वो दिलाएंगे, जो 5 प्राण है कि किस तरह से अगले 25 साल जिनको कि अमृत काल कहा जाता है और हम अमृत काल का जो समय है वो शुरू हो चुका है, किस तरह से एक भारतवर्ष जो है वो एक विकसित देश बने और जो हमारे दास्ता की या गुलामी की कोई भी अंश जो है हमारे विचारों में है या हमारे कर्मों में है उसको किस तरह से मिटाया जाए, और जो एक विरासत एक जो संस्कृति हमारे को हमारे बुज़ुर्गों से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से मिली है उसको बरकरार रखा जाए और जाति पाति से ऊपर उठकर एकता और जो एकजुटता है वो किस तरह से पूरे देश में लाई जाए, और आखिर में चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे एक देश का नागरिक हो किस तरह से अपने कर्तव्यों का जो वाहन है उसका पूरा करेंगे। इसलिए मेरी सभी से प्रदेशवासियों से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि आपको उन स्वतंत्रता सेनानियों का, उन बलिदानियों का, उन वीर योद्धाओं का, उनके बारे में उनके बलिदान का बोध हो। जय हिंद।